हेलो जी, कैसे हो आप लोग? तो आज की वीडियो बहुत ही रैंडम है यार। मैं कहीं बाहर जा रखा था और मैं अचानक से आया वापस, और मेरे को डॉक्यूमेंट चेक करने थे अपने, तो अपनी मार्कशीट वगैरह चेक करा था, तो अचानक से कुछ अपनी पुरानी फ़ोटो से टकरा गया। तो ये फ़ोटो इसलिए स्पेशल है क्योंकि यार ये हार्ड कॉपी में, वैसे तो फ़ोटोज़ तो बतेरी हैं अपने पास, फ़ोन में पड़ी है, हार्ड डिस्क में, और काफ़ी ऐसे होती है सॉफ्ट कॉपीज में बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन ये जो फोटोज हैं यार, कुछ ही बोलो, जो हार्ड कॉपी प्रिंट्स वाली फोटो होती है ना, इनकी कुछ अलग बात है यार। मुझे ओल्ड स्कूल कह सकते हो, बट कुछ तो अलग बात होती है, राइट? यार उससे पहले मैं आपको अपनी फोटोज दिखाऊं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैं उन लोगों में से था जो फोटोज रखने में बिलीव ही नहीं करता था। मैं कभी फोटोज नहीं लेता था, लोगों के पास एल्बम्स के एल्बम्स पड़ी रहती थी, स्टैक पड़ा रहता था फोटोज का। एक मैं था जिसके पास कोई कलेक्शन नहीं रहता था। हमारे स्कूल में एक अंकल हुआ करते थे, अंकल प्रिंस। हालांकि उनका नाम राजकुमार ही था, बट उन्हें कूल बनाने के लिए उन्हें हम अंकल प्रिंस बुलाते थे। अब ये अंकल प्रिंस हमारे स्कूल के फोटोग्राफर थे, और जब भी ये अंकल आते थे स्कूल में, बच्चे एक्साइटेड हो जाते थे, अंकल हमारी फोटो ले लो, हमारी फोटो ले लो। और जब ये फोटो रेडी होकर आती थी तो हमारे इंचार्ज थे फोटोग्राफी, ये गुप्ता सर, उनका ऑफिस में आती थी, और उस दिन उनके ऑफिस में भीड़ होती थी खचाखच। एक तरफ मैं था जब एक फोटो लेने जाता ही नहीं था, हाँ खिंचाता ही नहीं था तो लेने क्यों जाऊंगा, बट ऑन द अदर हैंड मैं इतने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था, स्पोर्ट्स इवेंट्स में, कि मेरी फोटो आती ही आती थी, लाजमी थी। तो मेरे को कई बच्चे आते थे, बोलते थे विनीत तेरी फोटो आ रही, तू लेता क्यों नहीं? और मैं उनको एक चिपका के डायलॉग मारता था हमेशा कि तेरे भाई के ना सब यहाँ हैं, और पता नहीं क्या था, मैं कहीं फोटोज नहीं लेता था। हालांकि मेरे को दूसरों की फोटोज देखने में बहुत मजा आता था, मजाक भी उड़ाते थे, और कुछ ना कुछ स्टोरीज हमेशा मिलती है फोटोज से, तो उसमें बहुत मजा आता था। मैंने हमेशा माना है ये कि हर तस्वीर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है जो कि बहुत मज़ेदार होती है, कुछ सेंटिमेंट जुड़े रहते हैं उस फोटो से, बहुत इमोशंस होते हैं, बहुत मज़े भी आते हैं, कभी कभी कोई हैप्पी होते हैं, कोई सैड होते हैं, लेकिन इमोशंस तो होते हैं। तो मैंने सोचा ये फोटोज बहुत रैंडम मैंने देखी थी, मैंने कुछ इतना कुछ ज़्यादा देखा भी नहीं, मैंने बस एक लुक देखा और मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूँ, तो मैं आप साथ में देखते हैं, आ जाओ। तो ये रही पहली फोटो। पहली फोटो बहुत अजीब है, एम्बेरसिंग भी है, दिखाता हूँ आपको। देख रहे आपको, ये है विनीत, यानी कि मैं, जो कि फर्स्ट क्लास में था। ये मेरी फर्स्ट क्लास की फोटो है, शहर देहरादून, स्कूल नन्ही दुनिया, नाम बहुत फनी है नो नन्ही दुनिया, बट ये मेरी फर्स्ट क्लास की फोटो है। और ये स्कूल के बाद की फोटो, जब मेरी छुट्टी हो गई थी, और मुझे ये तो याद नहीं कौन पिक करने आया था, मुझे मम्मी या पापा कोई आया था, और एक फोटोग्राफर अंकल हुआ करते थे हमारे इधर, उनसे ही फोटोज खिंचाते थे हमेशा, उनके पास गए थे मेरी फोटो खिंचाने के लिए, और मैं बहुत कंफ्यूज था। फोटो में देख ही सकते हैं कि मैं कितना कंफ्यूज लग रहा हूँ, तो बहुत अजीब, मेरे को समझ नहीं आया कि ये स्कूल के बाद इधर क्यों लेके आया मुझे। हालांकि मेरे को फोटो इसलिए खिंचाने लेके आए थे, बस ऐसे लेके आए थे, कोई ऐसा फंक्शन नहीं था या कुछ ज़रूरत नहीं थी इस फोटो। कई लोग बिलीव ही नहीं करते थे मेरे से कि भाई मेरे लंबे बाल भी थे, मेरी जूड़ी भी हुआ करती थी, मैं पटका भी पहनता था, और मेरा मुंडन कई टाइम तक हुआ ही नहीं था। जब मैं थर्ड क्लास में आया था तब जाके मेरा मुंडन हुआ था, तब तक मेरे बाल लंबे थे और मेरे ऐसे ही रहता था हमेशा, जो कि लोग बिलीव नहीं करते थे जब मैं उन्हें बताता, लोग बोलते थे यार मजाक कर रहा है, ऐसी मजाक कर रहा है। तो इस फोटो के पीछे ये कहानी थी। ये फोटो बहुत ही ज्यादा यादगार है और ये बहुत अच्छी फोटो है, देख रहे हैं आप इधर हम नाच रहे हैं। ये फोटो यार बहुत स्वीट है, मुझे याद है ये दिन तब का है जब हम शायद 9th क्लास में थे, और हमारे स्कूल में एक फेट ऑर्गेनाइज हुआ था, जस्ट जैसे कॉलेजेस में फेस्ट वगैरह होता है, हमारे स्कूल में एक फेट हुआ था, एक छोटा सा इवेंट था जिसमें हमारे स्कूल के बंदे थे, हमने ऑर्गेनाइज किया था पूरा फेट हमारे ही बच्चों ने, और बहुत इंजॉय किया था। यहाँ पे डीजे नाइट हो रही थी, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है वो डांस फ्लोर है, हाँ डांस फ्लोर है। अब पता नहीं लाइट्स कहाँ है क्या नहीं है कुछ नहीं पता, बट बहुत इंजॉय किया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस वॉज द बेस्ट डांस पार्टी एवर, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारी डांसिंग नाइट्स होती थी, ऐसे डीजे नाइट्स वगैरह होती थी, और मैं इतना ज़्यादा इंजॉय करता था इनको। और वैसे सही बताऊँ तो यार, मैंने कभी क्लब या किसी बार में डांस वांस नहीं किया, कभी मैं डिस्को विस्को नहीं गया हूँ, तो मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह सकता, बट ट्रस्ट मी दिस वॉज द लेजिट पार्टी आई हैव एवर हैड।
इतना एंजॉय करते थे यार हम लोग। ये पिक्चर में आपको देखने में मेरे दोस्त हैं नीलकांत, सैम, कुलिंदर, दशमी, बहुत एंजॉय करते थे यार। अब इस फोटो में किसी कैदी से कम नहीं लगूंगा मैं आपको। ये फोटो तब की है जब हमारे स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड ही था। तो उसमें एक वेरिफिकेशन चलती थी कि पहले वो फोटो वेरीफाई करेंगे, फिर ऐसे वेरिफिकेशन होता था। तो उसमें नाम और स्कूल का नाम लिखा था, जिसमें बहुत सारे प्रेस्टिजियस स्कूल्स आते थे ऑल इंडिया से, और उस इवेंट में ऐसे क्रॉस वेरिफिकेशन करते थे। और इस फोटो में अगर आप देखो तो मैं बहुत कूल नज़र आ रहा हूँ आपको, मतलब कूल इन द सेंस कि बहुत डिसेंट सा लग रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी यार, जो भी मेरे टीम मेंबर्स थे बॉक्सिंग के अलग अलग वेट कैटेगरी में, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी कि उनने बहुत वेट लूज़ किया था। और उस टाइम पे उम्र होती थी यार 13, 14, 15 साल की उम्र, और बच्चे इतने अलग अलग से वेज ट्राई आउट करते थे अपने वेट लूज़ करने के लिए, मैं बता भी नहीं सकता इतना हार्ड होता था। और एक तरफ मैं था जिसको कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं कुछ भी खा लेता था, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं होती, मेरा वेट हमेशा ऐसे मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा था कि वेट कम करना हो ज़्यादा करना हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं हमेशा कॉन्स्टेंट लेकर चलता था जो कि परफेक्ट रहता था, इसलिए मैं इस फोटो में ठीक लग रहा हूँ। बाकी विश्वास कीजिए, अब मेरा बाकी जितने मेरे साथ वाले थे अलग अलग वेट कैटेगरी, मेरे सीनियर मेरे जूनियर, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। तो कभी दया भी बहुत आती थी और अपने लिए खुशी भी बहुत होती थी। लोग यार कैंडिड फोटो खिंचाने के लिए इतने फेक फेक पोज मारते हैं, बट ट्रस्ट मी ये 100% कैंडिड है। और मेरे को एक फ़ोटो याद है, ये फ़ोटो तब की है जब मैं धौलपुर जा रखा था एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने स्कूल की तरफ से, और ऊपर मेरा एक फ्रेंड था, ऊपर बालकनी से कहीं से उसने फ़ोटो ली थी, और मुझे सही में नहीं पता था फ़ोटो ले रहा है। और ये था वो मेरा फ्रेंड जो साथ में गया था, विक्रम। और हम लोगों ने ये जो आप देख भी रहे होंगे, ये जो फ़ोटो, ये बालकनी थी, यहाँ से फ़ोटो ली गई थी। और जो ये जर्सीज हमने पहनी है, ये जो जो भी टी शर्ट्स पहनी है हमने, इसका इतना क्रेज़ चलता था ना उस टाइम पे। ये रीबॉक की फर्स्ट कॉपी की टी शर्ट चल रही थी उस टाइम पे, और इतना क्रेज़ चल रहा था उस टाइम पे मार्केट पे इसका, कि लोग हर कोई इसी को पहन रहा था उस टाइम पे। बाकियों का पता नहीं, लेकिन मेरे स्कूल के बंदे, हम सीनियर्स को देखते थे, वो भी ये पहन रहे थे, तो हमने भी कॉपी करना शुरू किया। और जो ये जर्सी है मैन यू की, ये जर्सी की भी कहानी है। ये जर्सी मैंने ले ली थी बहुत जब मैं 7th 8th में था, और ये इतने मेरे को लॉन्ग जर्सी थी इतने फुल साइज़ की कि मेरे घर आती नहीं थी, तो मेरी ये जर्सी पास ऑन ही होती रही 2-3 साल तक। ये पास ऑन होती रही, इवन मैं अलग अलग जगह गया तो वहाँ तक ये जर्सी पास ऑन ही होती रही, मुझे नहीं पता है कहाँ गई, क्योंकि मैं कभी पहनी नहीं। ये मेरी ओवर साइज जर्सी थी, बस मैं पहनता था, मेरे को अच्छी लगती थी, बाकी मैं सबको पास ऑन कर देता था इस जर्सी, इसलिए मेरे को याद है। और ये टी शर्ट की भी ये कहानी थी कि इतनी कॉपी माल था लेकिन इतना फेमस था कि भाई मज़े आते थे पहनने में, अच्छा सा लगता था। और ये फोटो तो भाई 100% कैंडिड है, नो फेक, ट्रस्ट मी। तो यार ये जो फोटो है ना यार, ये बहुत इमोशनल है और ये बहुत मेमोरेबल फोटो है मेरी। ये मेरे फेयरवेल की फोटो है, और इस पर्टिकुलर मोमेंट में ये हुआ था कि फेयरवेल स्पीच दे चुका था मैं, और फेयरवेल स्पीच देने के बाद हमारे जूनियर्स ने ऐसा प्लान किया था कि एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछेंगे, और सरप्राइज क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते थे वो पर्सनली। तो 2 घंटे पहले मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। 2 घंटे पहले मैं ऑडिटोरियम के बाहर खड़ा था, और मेरा कोई जूनियर मुझे मिल गया था, और मैंने उससे ये बोला था प्लीज़ यार कोई ऐसा सवाल मत कर लेना जिसका मेरे पास कोई जवाब ना हो। और इस पर्टिकुलर मोमेंट में जब उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, तो मैंने ये डायलॉग पेल दिया था उस टाइम पे कि ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका विनीत के पास कोई जवाब ना हो, जो कि सही। एंड आई ऑल्सो इवन रिमेंबर द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि वट वॉज योर फनीएस्ट और मेमोरेबल मोमेंट विद योर जूनियर। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने जितना भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया है, डेट वॉज वर्दी इनफ। मुझे बहुत खुशी है, और मुझे किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं है। मेरे को मेरे जूनियर्स बहुत अच्छे मिले, मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले, मुझे मेरे क्लासमेट्स बहुत अच्छे मिले, तो मुझे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है। एंड आई एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ माई स्कूल लाइफ। थैंक यू गाइस। ये जो मेरी नेक्स्ट फोटो है, ये कुछ ऐसी है, और ये मैंने जो थोड़ा सा कॉलेज किया था उसकी फ्रेशर्स की फ़ोटो है। अब मैं थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूँ ये कभी मैं बाद में समझाऊंगा आपको किसी और वीडियो में कभी और। तो इस फ़ोटो की कहानी बताता हूँ आपको। ये फ़ोटो मेरे फ्रेशर्स की फ़ोटो थी, और इसमें मैंने थोड़ा सा रैंप वॉक किया था, एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। सच्ची में बताऊँ तो यार मैं कॉलेज भी लेट गया था, मेरा एडमिशन हो गया था, मैं एडमिशन कराने के बाद घर चला गया था ऐसी एमी।
एम ही इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार पढ़ाई वढ़ाई होगी नहीं अभी 15-20 दिन, कभी और बाद में आके कर लेंगे ज्वाइन कर लेंगे बाद में आके। लेकिन जब मैं आया कुछ दिन बाद तो मेरे रूममेट्स ने मेरे को बताया भाई 3 दिन बाद एग्ज़ाम्स हैं, और मेरी फट गई थी। तो मैंने जैसे तैसे करके एग्ज़ाम दिए। रही बात फेयरवेल की, तो मेरे को कोई भी मेरे ब्रांच का बंदा जानता नहीं था, मतलब एज अ काइंड ऑफ फ्रेंड नहीं था। बाकी थे मेरे दोस्त लेकिन वो अलग अलग ब्रांचेस के, लेकिन मेरे पर्टिकुलर ब्रांच के मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। और जब मैं गया 2 दिन 3 दिन इतने ही बचे थे फ्रेशर्स के, तो जब प्रैक्टिस हो रही थी तो मैं किसी अपने दोस्त के साथ ऐसी प्रैक्टिस देखने चला गया। शाम को फ्री थे, वेले घूम रहे थे तो हम देखने चले गए। तो किसी दिन ऐसे ईगो पे ले ली मैंने बात, किसने ऐसे बोला कि यार सही कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो बोला कि ठीक है तू कर ले। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं कर लूँगा, और मैंने चीज़ को ईगो में लेके मैं चला गया। और मैं गया, मैंने कहा मेरे को करनी है, एंड ऑल ऑफ अ सडन सब देखने लग गए कि भाई ये है कौन। बट मैंने कहा कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, मैं आपकी ब्रांच का। और मैंने जब ट्रायल दिया मेरा हो गया, और मैंने फिर पार्टिसिपेट किया, मैंने बीए कर लिया। अब पता नहीं अपनी ईगो में लेके कर लिया, लेकिन ठीक है। कुछ फोटो आ गई है, आज नहीं लेता तो मैं आपको एक कहानी नहीं बता रहा होता। सही है ना, वैसे लड़का है तो फायर। सो बेसिकली मेरे पास इतना ही कलेक्शन था फोटोज़ का, इससे थोड़ी बहुत और हैं जो कि हार्ड कॉपी में है। बट ऐसा है कि फोटोज़ भले ही कम हो, कहानियाँ बहुत हैं और टाइम कम। बट आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर आप में से कोई मुझसे कुछ शेयर करना चाहता है अपने कोई फोटो का मोमेंट या बिहाइंड द सीन्स उसका, तो आप मुझे बता सकते हैं। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो यार अपना, पीस।